अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी स्टार्ट आवर पोइम नंबर 8 एंड इट्स नेम इज अजमेंडिस, रिटन बाय पी बी शर्ले। इन दिस पोइम द पोइट डिस्कस अ वेरी सेंसिटिव इशू। दिस इज आयरनिक पोइम विच डिस्क्राइब द प्राइड ऑफ अ मैन and the rich reality of life. Before discussing our poem, let's have a look at the works of the poet. As you know that this poem is written by P.B. Shelley. P.B. Shelley was born on 4th August 1792. He was one of the major English romantic poets. He was regarded as one of the great lyric and philosophical poets in the English language. He wrote some of his finest lyrics, including The Ode to West Wind, To a Skylark, and The Cloud. These are the names of his famous poems. P.B. Shelley's works shows his remarkable lyrical gift, his originality, and his hatred for oppression. He was a great revolutionary poet of his time, and he was died in storm at sea after visiting Lord Byron. Lord Byron was also a famous poet of that time. He was died on 8th July 1822. Now have a look at the theme of the poem. As I told you earlier that this poem has a very deep meanings, and it is an ironic poem, and it describes the pride of a man. The poet tells us that nothing is permanent in this world. Everything is subjected to decline. It is very ironic poem which describes the pride of a man and the rigid realities of life. Man becomes proud by success. He thinks that he has toppled the world. He forgets that life is merciless. Time brings all luxuries of life to an end, and death is great leveler. P.B. Shelley considers all feelings of superiority in man as only an illusion and self-deception. Now we start the translation of our poem. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पोएम है ये हमें दुनिया की नापायदारी से मुतल्लिक बताती है। इसमें ये बताया जाता है कि ये दुनिया जो है हमेशा रहने वाली नहीं है, ये आर्जी है, यहाँ पर किसी चीज़ को बका नहीं है, मतलब कि कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। जो शख्स इस दुनिया में आया है आखिरकार उसने जाना है। दुनिया में बहुत सारे लोग गुजरे हैं जो अपनी क्रुएलिटी, ब्रुटैलिटी और अपने कारनामों की वजह से मशहूर थे। उसमें हम बात कर सकते हैं सिकंदर आज़म, अलेक्ज़ेंडर द ग्रेट की, हिटलर की। ये लोग अपने ज़माने के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अपनी ब्रुटैलिटी और अपनी सक्सेस की वजह से मशहूर हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बाकी नहीं बचा, आज इनका नामो निशान भी नहीं है। तो इसमें पोएट हमें बताता है कि वो एक ट्रैवलर से मिला है जो कि एंशेंट कंट्रीज़, जो कि पुराने कदीम मुल्क हैं, उनकी सैर करके लौटा था, और उसने शायर को एक बादशाह के बारे में बताया जिसका नाम अजमेंडियस था, और उसने उसको उनकी उस बादशाह की कहानी सुनाई, और उस बादशाह की कहानी को फिर पोएट ने अपने वर्ड्स में बयान किया कि जैसे वो ट्रैवलर बता रहा है, तो पोएट फिर अपने वर्ड्स में हमें वो बता रहा है कि अजमेंडियस कौन था और वो किस तरह से जो उसको ट्रैवलर मिला था तो उसने किस तरह से उसके सारी डिस्क्रिप्शन दी, और वो आगे हमसे वो शेयर कर रहा है। तो ये पोएम शुरू होती है, इसको हमने 4 स्टैंजाज में कन्वर्ट कर लिया है। इसका पहला स्टैंजा हम पहले 4 लाइंस का बनाएंगे, और वो है आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं एक कदीम सरजमीन के एक मुसाफिर से मिला, यहाँ वर्ड है एंटीक, एंटीक का मतलब होता है एंशेंट, कदीम, पुराना। हु सेड, जिसने बताया, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, के पत्थर की दो चादा खुली हुई बगैर धड़ वाली टांगें। ट्रंकलेस वो पार्ट ऑफ बॉडी जो के
एक ऐसी बॉडी जो एक ऐसा इंसान जो के विदाउट हो पार्ट्स ऑफ बॉडी के, जिसके पार्ट्स ऑफ बॉडी पूरे ना हो। वो बताता है कि एक पत्थर की दो कुशादा खुली हुई बगैर धड़ वाली टांगें, स्टैंड इन द डेजर्ट, सहरा में खड़ी हैं, नियर देम ऑन द सैंड, और उनके करीब ही रेत में हाफ संक आधा धंसा हुआ, हाफ संक रेत में आधा धंसा हुआ, शैटर्ड मस्क शुदा, जिसका हुलिया बिगड़ा हुआ हो, मस्क शुदा चेहरा पड़ा है, विजिज विजिज होता है किसी चीज़ का फेस, चेहरा पड़ा है, हुज़ फ्रॉन, और जिसके चेहरे पर तेवरी चढ़ी हुई है, यानी कि गुरूर नज़र आ रहा है। वो कहता है कि मुजस्मा उसने देखा कि जो सहरा में खड़ा है, इसकी दो लंबी टांगें बगैर धड़के थीं, और मुजस्मे का चेहरा जो है वो रेत में पड़ा हुआ था और यादा धंसा हुआ था, और इसके चेहरे के जो खदो खाल थे वो मस्क थे, और इसके जो चेहरे के खदो खाल थे वो मस्क थे, और इसके बावजूद इसके मुजस्मे के चेहरे की तेवरी चढ़ी, मतलब कि उसके ऊपर उसको गुरूर नज़र आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं हम। अगले पैसेज में वो कहता है, एंड रिंकल्ड लिप्स, और उसके जो शिकन ज़दा होंठ थे, यानी कि उसके जो झुर्रियों वाले होंठ थे, एंड स्नियर, और उस पर हकारत थी। स्नियर होती है स्कॉर्न, यानी कि हकारत होना, उस पर जो हकारत थी, ऑफ कोल्ड कमांड, किस चीज़ की हकारत थी, बेरहम हुक्म देने वाले अंदाज़ की। टेल दैट, वो बताते हैं कि इट्स स्कल्प्टर, कि इसका जो मुजस्मा साज था, इसका जो बनाने वाला था, वेल दोज पैशंस रीड, उसने बखूबी इस बादशाह के जज्बात को पढ़ा था, उसने इस बादशाह के जज्बात को पढ़ा था। यानी कि वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बादशाह के उसने जो फेस बनाया है, स्कल्पचर जो है, उसने जो उसका मुजस्मा बनाया है, उसको इतनी उसने खूबसूरती से बयान किया है, और उसको इतनी डिटेल से बनाया है कि उस वो उससे मिला हुआ है, और उसके जो सारे चेहरे के तासुरात उस वक्त होते थे, उसने बड़ी अच्छी तरह से उसको पोर्ट्रे किया हुआ है। विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, वो इन बेजान चीज़ों पर सब ये जज्बात एहसास अभी भी बाकी रखे हुए हैं। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, और वो कहता है कि इस मुजस्मा साज ने ताकतवर बादशाह के तमाम रहम जो एहसास हैं, जिनको वो अच्छी तरह जानता और समझता है, इसने वाज तौर पर चेहरे पर कंधा किया है। बात यह है कि वो बादशाह के एहसास तभी भी इसके चेहरे पर अयां हैं, मतलब कि जो उसने बादशाह को देखा हुआ है, उसके सामने वो सारी शक्ल थी, क्योंकि वो बादशाह को जानता था, तो इस वजह से वो सारे के सारे जो हैं फीचर्स जो बने हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि उसने उसको ओरिजिनली डिपिक्ट किया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इससे आगे इसकी ट्रांसलेशन हम कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।